एवरीवन दिस इज सिमरन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यू नो ई पाठशाला आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपनी यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट टॉपिक डेट इज आपका रिसर्च डिजाइन ये आपका रिसर्च प्लान का पार्ट फोर है इससे पहले ऑलरेडी हम तीन पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजिएगा उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए सो so, बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं तो so, आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिजाइन के बारे में अपनी रिसर्च डिजाइन क्या होती है इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं ठीक है मान लेते हैं कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है ठीक और आपको यहाँ पर फ्लैट बनवाना है या फिर आप कह सकते हैं कि कोई प्राइवेट हाउस बनवाना है कोई प्राइवेट घर बनवाना है आपको ठीक है अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करते हैं ना कि हमको किस एरिया में क्या चाहिए मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया तो आपने कहा कि मुझे यहाँ पर ऐसे दो रूम्स लगातार चाहिए ठीक है पीछे मुझे ऐसे वॉशरूम चाहिए यहाँ पर मुझे कोई ओपन स्पेस चाहिए तो आप क्या करते हो एक तरह से ब्लू प्रिंट पूरा प्रिपेयर करते हो उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो है ना तो रिसर्च में भी आपका यही होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करते हैं अपनी रिसर्च का कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है क्या डेटा होना चाहिए हम कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे तो हम भी क्या करते हैं अपनी रिसर्च के लिए ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करते हैं और इसी को हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं ठीक है तो रिसर्च डिजाइन इज ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज रिसर्च आउटलाइन प्लान और ब्लूप्रिंट ठीक है आई होप अब यहाँ से समझ में आ गया होगा इसको ब्लू प्रिंट कहा जाता है इसको रिसर्च आउटलाइन या फिर एक प्लान भी कह सकते हैं ना अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है तो हमें पहले प्लान करना पड़ेगा कि हमको कितने रूम्स बनवाने हैं फिर उसके हिसाब से हमारे पास कंस्ट्रक्शन का सारा मटीरियल अवेलेबल होना चाहिए है ना तो इसी तरीके से हम अपनी रिसर्च में भी करते हैं पहले देख लेते हैं कि हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या क्या प्रोसीजर यूज होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे अपनी रिसर्च को लेके जाते हैं ओके So, in the words of Fred N. Kenlinger, it is the plan, structure and strategy of investigation conceived so as to obtain answers to research questions एंड कंट्रोल वेरियंस हम जब भी अपनी रिसर्च के लिए अगर रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करते हैं तो हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरीके से अपनी रिसर्च को आगे लेके जाना है क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चन के खुद से आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और जो भी वेरियंट्स है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं ना अगर हमको लग रहा है कि कहीं पर डेविएशन हो सकता है कहीं पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर किसी क्वेश्चन का हमको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हमें अगर लग रहा है कि कोई ऐसे हमारे सराउंडिंग uh, में सरकम हैं जो हमारी जो रिसर्च है उसको अफेक्ट कर सकते हैं तो अगर वो हमारे कंट्रोल में है तो हम उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश

the paradigm of operation of the variables the strategy includes the methods to be used to collect and analyze the data at the beginning this plan is generally vague and tentative theek hai aapne jo apna blueprint प्रिंट यहाँ पर प्रिपेयर किया है ये वेग और टेंटेटिव होता है राइट क्योंकि मान लो आपने अगर अपने यहाँ पर फ्लैट कोई या फिर अपने, अपने प्राइवेट घर बनवाना है उसके लिए भी आपने ब्लूप्रिंट बनवाया है तो जरूरी नहीं कि जैसा आपने ब्लूप्रिंट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बन ही जाए है ना हो सकता है कुछ चेंजेस आपको करने पड़ जाए तो ये आपका टेंटेटिव होता है इट मेनी एंड चेंजेस एट द स्टडी प्रोग्रेस एंड इन साइट इन टू डिपेंड इन क्योंकि आप जब रिसर्च करते हैं तो आप किसी चीज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं जितना ज्यादा आपको नॉलेज होती जाती है जितना ज्यादा आपको इनसाइट मिलता है किसी एक चीज का आप उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आगे करते हैं क्योंकि आपको रिसर्च एक सेट डायरेक्शन में ही लेके जानी है उससे आपको डेविएट नहीं होना है उसके लिए अगर आपको कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तो वो आपको अपनी रिसर्च में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू वी यंग अ रिसर्च डिजाइन इज द लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ अ पीस ऑफ रिसर्च तो जो हमारा रिसर्च डिजाइन है ये क्या होता है एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है अगर हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो किसी बेस पे ही प्रिपेयर कर रहे हैं ना एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर लॉजिक के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाता है है ना अगर यहाँ पर मैं आपके घर के ब्लूप्रिंट की बात करूँ तो आप ऐसा तो कभी करोगे नहीं मान लेते हैं ये ब्लूप्रिंट है तो आपने सामने एकदम यहाँ पे वॉशरूम बना दिया है ना और जितने रूम्स आपने सब पीछे कर दिए है ना तो ऐसा नहीं होता एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में ही ब्लू को प्रिपेयर किया जाता है ठीक सो अकॉर्डिंग टू रेजर ई क्विक रिसर्च डिजाइन और प्लान डेट स्पेसिफाई हाउ डेटा शुड बी कलेक्टेड एंड एनालाइज रिसर्च डिजाइन के थ्रू ही हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमको डेटा को कलेक्ट करना उसको एनालाइज करना है जब हमने किसी चीज़ का ब्लू प्रिपेयर किया अपने रिसर्च के लिए अगर हम ब्लू प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें इसी के बेसिस से पता चलेगा कि हमको किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है कौन सी टेक्निक आप यूज करनी है डेटा कलेक्ट करने की प्राइमरी डेटा यूज करना है सेकेंडरी डेटा यूज करना है इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चन है इसके थ्रू कर सकते हैं फिर उनको कैसे हमें एनालाइज करना है और अपनी रिसर्च में कैसे इंप्लीमेंट करना है तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है आपकी रिसर्च डिजाइन के थ्रू कर लेते हैं हम फंक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन तो सबसे पहला फंक्शन है दैट इट द रिसर्चर विद विद्लू प्रिंट फॉर स्टडी रिसर्च क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो आपका रिसर्च डिजाइन है इसको हम ब्लू प्रिंट कहते हैं अपनी रिसर्च का रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं रिसर्च का एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं और उसी को ही रिसर्च डिजाइन कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा

हेल्प करती है रिसर्चर को रिसर्च करने में ताकि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे बढ़ सके जब वो ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसको किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है कौन से सोर्सेज को वो यूज कर सकता है किस तरीके से उसको डेटा को एनालाइज करना है किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है सभी चीजें एक सेट ऑर्डर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चल सकेगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इट एनेबल्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टडी अब जब हमने अपनी रिसर्च के लिए ब्लूप्रिंट प्रिंट यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया तो जो भी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली थी हम उनको क्या कर सकते हैं इजिली एंटीसिपेट कर सकते हैं ना अभी हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आने वाली हैं हम उनको यहाँ पर पहले से एनालाइज कर सकते हैं राइट अभी अगर हम मान लीजिए आपने बलू प्रिंट प्रिपेयर किया और आपने कहा कि मुझे एक रूम पीछे बनवाना है पे 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 ठीक ठीक एक रूम यहाँ पर मेरा आगे बनेगा ठीक, अब यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम पता चल सकती है कि अगर मैंने पीछे रूम बनवाया तो हो सकता है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो जाए है ना अब अभी आपने ब्लू अगर नहीं प्रिपेयर किया होता आपने पीछे रूम बना लिया होता तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती राइट तो हमारी जो रिसर्च डिजाइन है वो हमको हेल्प करती है या फिर रिसर्चर को हेल्प करती है कि जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उनको हम इजिली एंटिसिपेट कर सकते हैं ठीक है आज पॉइंट हमारा इसमें द कॉमन फंक्शन ऑफ डिजाइन इज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर इन प्रोवाइडिंग द आंसर टू वेरियस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन तो जब भी हम रिसर्च करते हैं उस टाइम पर हमारे दिमाग में काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो इसीलिए ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करते हैं ताकि ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करते समय जो भी क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं हम उनका आंसर निकाल सके ठीक है इसीलिए ब्लू प्रिंट प्रिपेयर किया जाता है ठीक है आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन तो क्या क्या कॉम्पोनेट्स या कंटेंट्स हमारे रिसर्च डिजाइन के अंदर होते हैं ये देखते हैं सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है नीड फॉर द स्टडी सो एक्सप्लेन द नीड फॉर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टडी एंड इट्स रेलिवेंस तो आपकी जो रिसर्च डिजाइन है सबसे पहले आप जो भी रिसर्च डिजाइन बनाते हो जो भी ब्लू प्रिपेयर करते हो आप ये देखते हो कि इसकी क्या नीड है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी स्टडी के लिए ये कितनी ज्यादा रेलिवेंट है और आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही रिसर्च डिजाइन को फॉर्म करते हो ठीक है नेक्स्ट है हमारा रिव्यू ऑफ प्रीवियस स्टडीज जो भी हमारी पिछली रिसर्च हुई है पास्ट में जितनी भी रिसर्च हुई है पर्टिकुलर टॉपिक पे हम क्या करते हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं उनको स्टडी करते हैं ठीक है और स्टडी क्यों किया जाता है मैंने आपको ये चीज बताई है ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो कितनी रेलिवेंट होगी ऐसा तो नहीं उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है या फिर जो आप रिसर्च करने जा रहे हो वो रिसर्च कैसे पुरानी रिसर्च के कंपैरिजन में गैप फिल कर सकती है, है? ठीक प्रीवियस वर्क्स डन ऑन दिस टॉपिक अंडरस्टैंड व्हाट दे डिड आइडेंटिफाई गैप्स एंड मेक अ केस फॉर दिस स्टडी एंड जस्टिफाइड ठीक है यहाँ पे ये चीज याद रखना कि जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं और अगर आपसे कभी भी इन फ्यूचर अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो एग्जामिनर या फिर वहाँ पे जो इन्विजिलेटर अगर आपसे पूछते हैं आप रिसर्च क्यों करना चाह रहे हो इस टॉपिक पे क्यों तो आपको हमेशा ये बताना है कि जो हमारी रिसर्च अभी तक हुई है उनमें कुछ गैप्स उनको फिल करना है क्योंकि यहाँ पर भी क्या बोल रहा है हमें गैप्स को आइडेंटिफाई करना है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सो स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम इन क्लियर टर्म्स एंड गिव अ टाइटल टू द स्टडी ठीक है तो हमको अपनी सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हमें क्लियर टर्म्स में डिफाइन करना है बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए और ना ही इतनी कंसाइज होनी चाहिए कि इजिली समझ में ना आ पाए कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी अब देखिए ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका कुछ गोल होना चाहिए क्योंकि आप उसी के बेसिस पर आगे रिसर्च रिसर्च करेंगे और जितनी भी होती हैं सबके ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होते हैं जिस पर्सन ने रिसर्च करी हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और रहा हो आप उस स्टडी को यहाँ पर पढ़ सकते हो उसको एनालाइज कर सकते हो लिटरेचर व्यू कर सकते हो बट आपके भी ऑब्जेक्टिव्स उनकी तरह सेम नहीं होंगे क्योंकि सेम होगा इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्टडी में कोई नई चीज नहीं लेके आ रहे हैं ठीक है? द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी वेक यहां पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए ठीक दे मस्ट बी स्पेसिफिक एंड फोकस जैसे आपकी लाइफ के जो आपके गोल्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं क्लियर होते हैं कि मुझे यही करना है इसी तरीके से आपके रिसर्च के भी ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इसके बाद हम क्या करते हैं अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं सो कंसीव पॉसिबल आउटकम्स और आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस एंड फॉर्मुलेट इनटू हाइपोथेसिस टेस्ट सो दैट दे कैन बी टेस्टेड अब हमको हाइपोथेसिस इस तरीके से अपना फॉर्मुलेट करना होता है कि हम उसको इजीली टेस्ट कर सके और उसको वेरीफाई कर सके ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन सो इफ द स्टडी इज यूजिंग अनकॉमन कॉन्सेप्ट और अन टूल्स और यूजिंग इवन द फेमिलियर टूल्स एंड कॉन्सेप्ट इन स्पेसिफिक सेंस दे मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड डिफाइंड तो अगर यहाँ पे कुछ हम टेक्निक्स को अलग स्टडी कर रहे हैं कुछ टेक्निक्स ऐसी हो सकती हैं जो आपकी रिसर्च के लिए उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है बट आपको इनको इंक्लूड करना पड़ रहा है तो इनके बारे में आपको स्पेसिफिकली अपनी रिसर्च में बताना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ द स्टडी सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द ऑफ द स्टडी बिकॉज द स्कोप डिसाइड्स व्हाट इज विद इट्स परव्यू एंड व्हाट इज आउटसाइड आपकी स्टडी का क्या स्कोप है क्या ऑब्जेक्टिव है क्या गोल है ये सब क्लियरली डिफाइन करना चाहिए ठीक सो स्कोप इंक्लूड्स योर ज्योग्राफिकल स्कोप कंटेंट स्कोप एंड क्रोनोलॉजिकल स्कोप ऑफ द स्टडी आप कौन से एरिया को यहाँ पर कवर कर रहे हो कितनी यहाँ पर पॉपुलेशन ले रहे हो कितने सैम्पल्स को कलेक्ट कर रहे हो कंटेंट आपका क्या है कौन से एक ऑर्डर में आप अपनी स्टडी कर रहे हो ये सब आपको मैंशन करना पड़ता है ठीक है सो द टेरिटोरियल एरिया टू बी कवर्ड बाय द स्टडी शुड बी डिसाइडेड ठीक तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर स्टडी कर रहे हो ऐसा आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप हर एक एरिया को स्टडी कर पाओ तो आप स्पेसिफिक यहाँ पर रहोगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मैंशन करना होता है ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सेस ऑफ डेटा तो कौन से सोर्सेस आप डेटा को गैदर करना चाहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है दो सोर्सेज होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट कौन से सोर्सेज को यूज करना है ये आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है ठीक है अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हैं तो आपको ये, ये? चीज ध्यान रखनी होगी कि आप जो भी डेटा यूज कर रहे हो वो रिसेंट होना चाहिए प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एरिया देखना पड़ेगा कवरेज देखनी पड़ेगी अगर आप ज्यादा एरिया कवर करना चाहते हो तो इंटरव्यू मेरे ख्याल से उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि हर एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे पूरे एरियाज में इंटरव्यूज ले सके तो वहां पर आपको क्वेश्चन यूज करना होगा है ना तो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमको देखना होता है कि कौन से सोर्सेस एप्ट रहेंगे ठीक है So, this is an important stage in research design. At this stage, keeping in view the nature of research, the researcher has to decide the sources of data from which the data are to be collected. So, basically, the sources are divided into primary sources. एंड सेकेंडरी सोर्सेज ठीक है तो मैंने आपको यही बताया कि दो सोर्सेज होते हैं हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स होता है जहां पर हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशनो कलेक्ट करते हैं और एक होता है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज जैसे आपके पास डिफरेंट जर्नल्स होते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट जो आपकी रिलीज करती है आपके आर्टिकल्स वो होते हैं हम उनको यहाँ पर रेफर कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर ठीक है डिफरेंट जो आपकी गवर्नमेंट रिपोर्ट निकालती है ठीक सो द डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा

नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्शन तो हमने पहले ये तो देख लिया कि कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हम डेटा को अपने कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कि हम कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने के जैसा मैंने आपको भी बताया था कि हम इंटरव्यूज़ के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू आपके शेड्यूल्स के थ्रू इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं अपने डेटा को कलेक्ट

को वहां पर दूसरा मेथड ऑफ कलेक्शन देखना पड़ेगा आपकी रिसर्च का क्या पर्पज आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करते हो स्कोप क्या है आपकी रिसर्च का टाइम कितना है आपके पास अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च प्लान आउट करोगे अगर आपके पास कम टाइम है कम टाइम के अंदर अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो हो सकता है आप खुद ही इंडिविजुअली जाके डेटा को कलेक्ट करें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिसर्च में हमको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं कितना आप अकोमोडेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना मेथड ऑफ कलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाता है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स तो हमने यहाँ पर सोर्सेज ऑफ डेटा देख लिया किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है कौन से मेथड यूज करना है ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया नेक्स्ट आ जाता है कि कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हम उसके ऊपर अब लगाएंगे सो द टूल्स एंड टेक्निक्स टू बी फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू सर्वे शेड्यूल एंड प्रिपेयर्ड ठीक है है इसके बाद आ जाता है हमारा सैंपलिंग डिजाइन सो इफ इट इज अ अल स्टडी द सैंपलिंग टेक्निक्स द साइज ऑफ द सैंपल द वे आर आर टू टू बी बी ड्रॉन डिसाइडेड ठीक है तो हमने यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर लिया उसको प्रॉपरली देख लिया कि कौन सा मेथड यूज करना है कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स लगानी है इसके बाद हम क्या करते हैं एक प्रॉपर ब्लू भी प्रिपेयर करते हैं अपने सैंपल्स की स्टडी के लिए ठीक है देखना होता है कि कितना सैंपल साइज हम यहाँ पर ले रहे हैं किस तरीके से हमें सैम्पल्स को ड्रॉ करना इसके लिए हमें ग्लूप्रिंट प्रिपेयर करना पड़ता है इसका ठीक नेक्स्ट आ जाता है डेटा एनालिसिस इसके बाद क्या करते हैं हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं सो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसेस एंड एनालाइज द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड व्हाट सिंपल और एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर गोइंग टू बी यूज फॉर एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ आईपोर्थिस सो दैट नेसेसरी केयर कैन बी टेकन एट द कलेक्शन

आप उसमें क्या करते हो चैप्टर्स देते हो ठीक है इसका मतलब यहाँ पर चैप्टर्स का मतलब नहीं है आपको चैप्टर्स बनाने होते हैं या फिर कोई चैप्टर्स लिखने होते हैं ऐसा नहीं है आपने जो भी टॉपिक्स दिए हैं उनको चैप्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिवाइड करना होता है सबका एक प्रॉपर आपको टाइटल देना होता है और उनका क्या पर्पज़ है ये भी आपको बताना होता है क्लियरली ठीक है तो इसी को चैप्टरालाइजेशन कहा जाता है ठीक नेक्स्ट है टाइम एस्टिमेट्स सो व्हाट इज द टाइम अवेलेबल फॉर दिस स्टडी इज इट लिमिटेड और अनलिमिटेड जनरली इट इज अ टाइम बाउंड स्टडी देखिए जो आपकी रिसर्च होती है वो जनरली टाइम बाउंड होती है वरना तो आप ऐसे एक टॉपिक पर कितने टाइम तक रिसर्च करते रह जाएंगे ठीक है तो एक टाइम पीरियड के अंदर हमको अपनी रिसर्च स्टडी को कंप्लीट करना होता है सो द अवेलेबल और परमिटेड टाइम मस्ट बी अपॉइंटेड बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड द एक्टिविटीज टू बी कैरीड आउट विद इन द स्पेसिफाइड time for example presentation of the research design 1 month presentation of questionnaire in 1 month data collection 2 months एनालिसिस ऑफ डेटा टू मंथ्स ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट्स टू मंथ तो आप क्या कर सकते हो इस तरीके से अपनी रिसर्च के जो पार्ट्स है या पॉइंट्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हो ठीक है जैसे आपको रिसर्च डिजाइन बनानी है ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करना है तो आपको वन मंथ चाहिए क्वेश्चन एयर्स आपने प्रिपेयर किया अब आप क्वेश्चन एयर्स सेंड करोगे अब ये आप मेल के थ्रू भी कर सकते हो सामने खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसका जो रिस्पॉन्स है उसको भी आने में टाइम लगेगा फिर आपको डेटा कलेक्ट करना है उसको डेटा को एनालाइज करना है फिर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी सब में टाइम लगता है ठीक है तो आप तो अगर यहां पर प्रॉपरली टाइम को डिवाइड कर लोगे तो आपकी रिसर्च एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी ठीक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल बजट सो द डिजाइन शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्ड एंड द सोसेज अवेलेबल टू मीट देम द एक्सपेंडिचर लाइक सैलरीज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्टेज एंड टेलीफोन कंप्यूटर एंड सिक्रशियल असिस्टेंस एक्सेट्रा तो फाइनेंशियल बजट आपका रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है आप रिसर्च जो कंडक्ट करने जा रहे हो उसमें कितना ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा आपको ये सब चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ेंगी और ये सब आप रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू एनालाइज कर सकते हो आप एक बजट ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो कि आपकी पूरी रिसर्च में कितना खर्चा आने वाला है ठीक है एंड लास्ट पॉइंट है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंक्वायरी सो हाउ इज़ द होल थिंग टू बी एग्जीक्यूटेड हु डज वॉट एंड वेन ऑल दीज एक्टिविटीज हैव टू बी ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली रिसर्च पर्सनल हैव टू बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रेन दे मस्ट भी इंटरेस्टेड विद द टास्क द वेरियस एक्टिविटीज आर टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड द होल प्रोजेक्ट मजब भी कम्पलीटेड एज पर शेड्यूल लास्ट में यहाँ पे जो आपकी रिसर्च डिजाइन है वो ये भी यहाँ पे बता सकती है कि किस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन करना है देखिए ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च करने वाला पर्सन सिर्फ एक हो एक ही रिसर्चर हो कई बार ऐसा होता है कि दो या तीन रिसर्चर्स एक साथ किसी एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे किसी पर्सन ने कोई काम किया है किसी पर्सन ने उस रिसर्च के लिए कुछ काम किया है ठीक है तो जो भी जिस पर्सन ने काम किया है वो पता होना चाहिए और आपकी जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में होनी चाहिए जो जो टास्क जिसको असाइन किया गया हो वो वही काम किया हो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई है उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ हो और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी हो ठीक है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है ठीक नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा पायलट स्टडी और ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग ठीक है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हो सकता है शॉर्ट नोट से पूछ ले हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ ले पायलट स्टडी और प्री टेस्टिंग में ठीक सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये पायलट स्टडी होती क्या है देखिए बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल पे लेते हैं आपके स्कूल के टाइम पर एनुअल फंक्शन ज़रूर होता रहा होगा है ना एनुअल फंक्शन है आपका स्पोर्ट्स फंक्शन है आपका ठीक है कॉलेज के लेवल पर भी आपके डिफरेंट फेस्ट होते थे ठीक अब कोई भी प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करें लेट से हम स्कूल लेवल पर ही बात करें अगर एनुअल फंक्शन होना है तो आप पहले क्या करते थे जिस दिन मेन फंक्शन होता था उससे पहले हम लोग रिहर्सल करते थे राइट ताकि हमारा एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो है ना वहाँ कुछ गड़बड़ी ना हो तो आपकी पायलट स्टडी सेम होती है मेन स्टडी के पहले मतलब जो आपकी मेन रिसर्च है उससे पहले हम जो रिहर्सल करते हैं जो रिसर्च हो रही है ठीक है किस तरीके से रिसर्च करनी है जितना भी प्रोसेस है वही आपका पायलट स्टडी कहलाता है तो मेन स्टडी की जो आपकी रेप्लिका होती है वही पायलट स्टडी कहलाती है सिंपल सा कहने का मतलब ये है ठीक So, when a problem is selected for research, a plan of action is to be designed to proceed further. But if we do not have adequate knowledge about the subject matter, the nature of the population, the various issues involved, the tools and techniques to be used for operationalizing the research problem, we have to familiarize ourselves first with it and acquire a good deal of knowledge about the subject matter of the study and its dimension. ठीक है आपने अभी तक कोई भी स्टडी नहीं करी है आपने पहली बार रिसर्च कर रहे हैं ठीक है तो किस तरीके से आपको यहाँ पे पॉपुलेशन देखनी है पॉपुलेशन से सैम्पल्स किस तरीके से यहाँ पे चूज़ करने हैं कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करना है इन सब चीज़ों से सबसे पहले आपको फेमिलियर होना ज़रूरी है आपको इन डेप्थ नॉलेज इसकी लेना जरूरी है तभी आप मेन रिसर्च प्रॉपरली कर पाएंगे सब चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए ठीक है इसीलिए पायलट स्टडी कंडक्ट करी जाती है सो फॉर दिस पर्पज अ स्मॉल स्टडी इज कंडक्टेड बिफोर द मेन स्टडी विच इज़ कॉल्ड द पायलट स्टडी तो आपकी मेन स्टडी से पहले जो आपकी स्टडी की जाती है आप या फिर जो आपकी मेन स्टडी की रेप्लिका होती है वही होती है आपकी पायलट स्टडी और ये आपकी स्मॉल स्केल पे होती है जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज आपने 500 हंड्रेड सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं अपनी मेन स्टडी के लिए ठीक है अब ये क्या है आपकी स्मॉल स्केल है ठीक है तो यहाँ पर हम सारे सैंपल्स को तो स्टडी करेंगे नहीं यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ टेन परसेंट सैम्पल्स को स्टडी मतलब कि टोटल हम फिफ्टी सैम्पल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे अब इनको स्टडी करने से ये फ़ायदा होगा कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं जो भी हमें नॉलेज की ज़रूरत है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी ठीक है हमारे पास इन डेप्थ नॉलेज आ जाएगी हमारे सब्जेक्ट मैटर की और फिर हम अपनी जो मेन रिसर्च है उसको ईजिली कंडक्ट कर पाएंगे ठीक है सो पायलट स्टडी प्रोवाइड अ बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स डायमेंशन इट फेसिलिटेट अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सर्वेड एंड द फील्ड प्रॉब्लम टू बी एनकाउंटर्ड अब अब यहाँ पे हम सिर्फ फिफ्टी सैम्पल्स को अगर स्टडी कर रहे हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान देने की जरूरत है ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर आसानी से पता चल जाएंगी वहीं अगर हम डायरेक्टली फाइव हंड्रेड सैंपल्स को यहाँ पर स्टडी करते तो हम यहाँ पर डिसाइड ही नहीं कर पाते या फिर कह सकते हैं कि जज ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हो रही है है ना अगर आप कोई छोटी चीज़ समझ लेते हो या छोटी चीज़ को पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है इसका सल्यूशन क्या हो सकता है वहाँ यहाँ पर भी सेम ही चीज़ बोल रहा है ठीक है पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग स्पोर्ट्स डे का आई गेस सभी लोगों ने मार्च पास जरूर करी होगी राइट तो मार्च पास में क्या होता था कि आपके जो हैंड मूवमेंट्स और लेग मूवमेंट्स से मैटर करते हैं राइट बा बाकी आपकी जो बॉडी का पॉस्चर है वो भी इम्पोर्टेंट होता ही ऑब्वियसली ठीक है तो जब भी हम रिहर्सल कर रहे होते हैं उस टाइम पर टीचर्स काफी ध्यान से देखते हैं प्रॉपरली एनालाइज करते हैं कि किस स्टूडेंट के जो मूवमेंट्स वो प्रॉपर नहीं है जहाँ कौन सा स्टूडेंट है जो कोऑर्डिनेशन को गड़बड़ कर रहा है उसको क्या करते थे बाहर निकाल देते थे और जो हमारा मेन जिस दिन स्पोर्ट्स जो होता था उस दिन उन्हीं स्टूडेंट्स को ही मार्च पास में पार्टिसिपेट करने मिलता था जो प्रॉपरली स्टार्टिंग से करते आ रहे थे जो जो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे है ना तो यहाँ पर पायलट स्टडी में भी सेम ही चीज़ होती है बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम पायलट स्टडी की बात कर रहे हैं हमने ये डिस्कस किया कि सारे सैम्पल्स को हम यहाँ कंसिडर नहीं करते सिर्फ टेन परसेंट सैम्पल्स को ही स्टडी करते हैं अब इन सैम्पल्स को हम अपनी मेन स्टडी में, में दोबारा से नहीं लेंगे उसका रीज़न ये है कि जितने भी सैम्पल्स यहाँ पर हमने लिए थे ऑलरेडी हमें उनके प्रॉब्लम्स उनके सोल्यूशन के बारे में पता है प्लस अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने 50 परसेंट्स का यहाँ पर इंटरव्यू लिया है तो उनको क्वेश्चंस पता है उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी अब पता है ठीक अब अगर हम दोबारा उनका इंटरव्यू लेंगे तो हो सकता है वो अपने आंसर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें हमको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना दें अब जब हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो जो हमारी रिसर्च है वो ऑथेंटिक नहीं रह जाएगी ठीक है इसीलिए मेन स्टडी में हम उन सैंपल्स को दोबारा से कंसिडर नहीं करते हैं ठीक है तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इज आपका प्री प्री टेस्टिंग टेस्टिंग अब ये प्री -टेस्टिंग का क्या मतलब होता है हम इसको समझ लेते हैं अभी हमने पीछे डिस्कस किया पायलट स्टडी है ना पायलट स्टडी का क्या मतलब हो गया जहां पर हम रिसर्च से पहले अपनी मेन रिसर्च से पहले क्या कर रहे हैं कि रिहर्सल कर रहे हैं इट इज अ रेप्लिका ऑफ योर मेन स्टडी प्री टेस्टिंग क्या होती है मान लेते हैं कि आपने कुछ क्वेश्चन एय बनाए ठीक है आई होप क्वेश्चन एयर्स आपको पता है ठीक है जहाँ पे आप बंच ऑफ क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर करते हो और आपका जो रेस्पॅेंट है वो इसको आंसर करता है ठीक अब जो आपने क्वेश्चन एज बनाए हैं वो कितने सही हैं इसको भी तो टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है आपने मान लीजिए को कोई क्वेश्चन एयर दिया फिल करने के लिए कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऐसे लगे रिस्पॉन्डेंट को जो वो आंसर नहीं करना चाहता है हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पर्सनल हो ठीक है तो जो आपका रेस्पॉन्डेंट है आपको उससे ये चीज़ पता चलेगी अगर उसने आंसर नहीं किया कि मुझे इन सब क्वेश्चन को यहाँ पर हटाने की ज़रूरत है इनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे इसमें कुछ मॉडिफिकेशनस लाओगे और उसके बाद दोबारा से उसको फिल करवाने की कोशिश करोगे राइट तो यही होती है आपकी प्री टेस्टिंग ठीक सो प्री टेस्टिंग मीन्स ट्रायल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स टू द सैम्पल रेस्पॉन्डेंट्स बिफ़ोर फाइनलाइजिंग इट जो आपके सैम्पल्स के इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो चाहे वो आपका इंटरव्यू है चाहे वो आपके क्वेश्चन है एज़ है उनको हम क्या करते हैं प्री टेस्ट करते हैं अब इंटरव्यू के लिए भी जो आपने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है आप क्या करोगे अपने रेस्पॉन्डेंट सामने रखोगे उनके आंसर जानने की कोशिश करोगे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हों जो कि पर्सनल हों जो कि रेस्पॉन्डेंट आंसर नहीं करना चाह रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो ये सब आपकी जो मेन आपकी रिसर्च है उससे पहले होता है ठीक है इसी को हम प्री टेस्टिंग कहते हैं पहले से टेस्ट कर रहे हैं हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करने हैं अपनी रिसर्च के अंदर ठीक है आई होप यहाँ पर आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि प्री टेस्टिंग और पायलट टेस्टिंग या पायलट स्टडी में डिफरेंस क्या होता है पायलट स्टडी क्या होती है आपकी रेप्लिका होती है मेन स्टडी की जहां पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि मेन रिसर्च करने से पहले एक छोटी सी रिसर्च करते हैं और प्री टेस्टिंग क्या होती है कि उस रिसर्च में जो हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं जैसे आपके क्वेश्चन है आपके शेड्यूल्स है आपके इंटरव्यूज है ऑब्जर्वेशन है जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करने हैं अपनी रिसर्च में उनको हम प्री टेस्ट करते हैं ठीक है तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके डिफरेंस भी आ सकता है और आपसे शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है ठीक है पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ट वेन सम रेसिपी इज प्रिपेयर अ सैंपल इज टेस्टेड बेस्ड ऑन दैट करेक्शन आर मेड तो अगर आपकी मदर ने कोई रेसिपी प्रिपेयर करी या फिर आपने खुद ही कोई रेसिपी बनाई है तो आप सबसे पहले क्या करते हो उसको टेस्ट करते हो टेस्ट करके देखते हो कि सब चीजें है या नहीं और अगर इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत होती है तो आप क्या करते हो सबसे पहले सैंपल में ऐड करते हो फिर उसको टेस्ट करते हो टेस्ट करने के बाद अगर आपको परफेक्ट लगती है तब आप अपने मेन प्रोडक्ट में ऐड करते होना तो यहाँ पर भी सेम चीज है हमें रिसर्च करनी है हमें क्वेश्चन है इसकी जरूरत पड़ेगी इंटरव्यूज की जरूरत पड़ेगी ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमने क्वेश्चन प्रिपेयर करें वो अपने रिस्पॉन्डेंट पर टेस्ट करके देखेंगे उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो हम पहले उसमें चेंजेस ला सकते हैं क्योंकि रिसर्च करते टाइम चेंजेस करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो वाइल इंस्ट्रूमेंट और मेथड देखिए अगर आप रिसर्च के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो बात है कि आप बहुत ध्यान से प्रिपेयर करेंगे अपनी तरफ से कोई गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे बट इसमें डिफेक्ट्स फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए प्री टेस्टिंग की जरूरत होती है ताकि हम ये देख सके कि अगर हमने कोई बनाया बनाई अगर हमको लग रहा है परफेक्ट है तो वो परफेक्ट है भी या नहीं है ठीक बट वेन अदर्स यूज इट दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देम ऑब्जेक्टिवली देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर कोई चीज प्रिपेयर करी तो आपको उसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं लगता आपको उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं लगती है बट जो वही चीज सामने वाला पर्सन स्टडी कर रहा है एनालाइज कर रहा है तो हो सकता है वो उसमें लिमिटेशन या उसमें क्या डिफेक्ट है वो आपको बता सके ठीक है

अगर हमने अपनी जो क्वेश्चन प्रिपेयर करी जो इंटरव्यूज के क्वेश्चन प्रिपेयर करें उसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है जो रेस्पोंडेंट है वो आंसर नहीं कर पा रहा है कुछ हमको पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं कुछ हमको नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं तो हमें उन क्वेश्चन को मॉडिफाई करने की जरूरत है कुछ उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है और उसके बाद ही हम उसको अपनी फाइनल स्टडी में या मेन स्टडी में यूज कर सकते हैं इसीलिए प्री टेस्टिंग करी जाती है ठीक है एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो आप याद रख सकते हैं कि जो आपकी प्री टेस्टिंग है ये स्कोप होती है ठीक है और आपकी जो पायलट टेस्टिंग है या फिर आप कह सकते हैं पायलट स्टडी है यह आपकी वाइडर इनस्कोप होती है इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ देखिए पायलट स्टडी आपकी क्या थी रेप्लिका ऑफ मेन स्टडी राइट मेन स्टडी मतलब हमारी जो मेन रिसर्च है ठीक प्री टेस्टिंग क्या है हम किस पे कर रहे हैं प्री टेस्टिंग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पे जो इंस्ट्रूमेंट्स आपकी रिसर्च में यूज होने वाले हैं है ना तो आपके हिसाब से पायलट स्टडी क्या हो गई वाइडर इन स्कोप हो गई क्योंकि हम अभी यहाँ पर जब पायलट स्टडी करेंगे तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज करेंगे और इन इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट करने के लिए हम प्री टेस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं ठीक है तो ये प्री टेस्टिंग टेक्निक आपकी स्कोप हो गई और जबकि पायलट स्टडी है ये वायर्डर स्कोप हो जाती है ठीक है तो इस डिफरेंस को भी आप याद रखिएगा एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं और इसका रीजन भी मैंने अब आप आपको बता दिया है ठीक है तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और आपकी यूनिट टू यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो वीडियो को दो से तीन बार जरूर देखिएगा उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आप मुझे डायरेक्टली पिंक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इग्नू ई पाठशाला और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा इगनू स्क्ट ठीक है यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी से जो भी है सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में टेलन स्टे सेफ स्टे हेल्थी बाय बाय टेक केयर